मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बीते जुलाई माह में बारिश के दौरान भावसा डैम में अचानक पानी बढ़ गया। ऐसे में एक इमली और एक बरगद के पेड़ पर करीब 50 बंदर फंस गए थे। बंदरों ने पेड़ के पत्ते और छाल खाकर किसी तरह दिन काटे, लेकिन इस दौरान भूख से बेहाल होकर बंदर एक के बाद एक पेड़ से गिरकर जल समाधि लेते गए। अभी इनमें से केवल 5 ही बंदर जीवित हैं। वहीं बंदरों की मौत के बाद प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा है और बंदरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं एसडीओ अजय सागर ने कहा कि एक नाव बनाई गई है जिस पर बंदरों को खाने के लिए कुछ फल डाल दिए गए हैं। बंदर खाने के लिए नाव पर आएंगे तो उसी दौरान नाव के जरिए बंदरों को बाहर निकाला जाएगा। सर, क्या बंदरों का रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है? बंदरों का रेस्क्यू हम लोगों ने अभी 4 ट्यूब पर एक बांस की टट्टा बना करके एक डोंगी बनाई है और उसको रस्सी से बांध दिया है और उसकी कनेक्टिविटी में हम लोग 3-4 डोंगी और बना रहे हैं सुरक्षित स्थान तक। अभी आप जैसा देख रहे हैं पानी काफ़ी कम हो गया है। आप लोग भी घुटने घुटने तक गए हैं, आप लोगों ने भी नज़दीक से देखा है, तो उस तक कुछ फल वगैरह रखे हुए हैं। तो हम लोग जाने के बाद जब तक हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो शायद बंदर नहीं आएंगे। हम लोग सारी व्यवस्था करने के बाद में यहाँ से कुछ समय के लिए हट जाएंगे और फिर आकर के हम पुष्टि करेंगे मंदिर वहाँ से निकले के नहीं निकले। सर, वन विभाग के कितने कर्मचारी अभी यहाँ पर मौजूद हैं? अभी लगभग 15 कर्मचारी हमारे दोनों परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर और बोदल्ली रेंज के हमारे रेंज ऑफिसर दोनों हमारे साथ स्टाफ के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार रेस्क्यू के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या किसी प्रकार से संसाधनों की कोई कमी महसूस हो रही है? नहीं, कोई संसाधनों की कमी नहीं है।